अगले दिन इंग्लिश का एग्जाम है, शेक्सपियर को लात मार के रजत दलाल की पोस्ट पढ़ रहे हैं। एथनिक वायलेंस तो कोई भी कर लेता है, हिम्मत है तो इंस्टा स्टोरी डालो। मणिपुर, पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट, इलेक्टोरल बॉन्ड तो भूल ही जाओ। तुम्हें अगर अपनी बिरादरी का सही मायनों में स्टैंड लेना है ना, तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है हरियाणा की। ये एक नया बिग बॉस है जिसमें घर की भी जरूरत नहीं है, सड़क पर ही खेला जा रहा है। हरियाणा में रैलियां निकाल रहे लोग जैसे अन्ना आंदोलन चल रहा हो। नमस्कार, आदाब, वेलकम एंड रमजान मुबारक। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे देश की बात एंटरटेनमेंट के साथ। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, अब देश में जो बचा है वो सिर्फ यही है, एंटरटेनमेंट। देश की खुशकिस्मती ये है कि हमारे देश में युवा बहुत है, और बदकिस्मती ये है कि यही युवा बेरोजगार है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल पिछले दो हफ्तों से देखा जा रहा है, एल्विस वर्सेस मैक्सटन वर्सेस रजत दलाल वर्सेस रैंडम वर्सेस राजीव सिदोरिया। ओहो, क्या खिचड़ी है, बदलते रहता है, उलट पुलट चलता है, कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी वो, कभी मैं। ये एक नया बिग बॉस है जिसमें घर की भी जरूरत नहीं है, सड़क पर ही खेला जा रहा है। तो भाई की इच्छा ये है कि मैं उसके साथ लड़ना चाहता हूँ, अब मैं किस बात का बड़ा भाई, इसकी इच्छा पूरी ना करूँ तो। मेरा बहुत मन है कि तुमको एनालिसिस और ब्रेकडाउन दूं, लेकिन कुछ ऐसा टॉपिक ही नहीं है, यहाँ सिर्फ मेल्टडाउन है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट लास्ट वीक, एल्विश और मैक्सटन की लड़ाई सुलझाने के लिए आए रजत दलाल भाई, अ वेरी रैंडम केमियो फीचरिंग रैंडम सेना। फिर इनकी लड़ाई राजवीर सिसोदिया से हो गई, फिर तू तू मैं धमकी गाली गलोच, फुल टेस्टोस्टेरोन का नंगा नाच। और फिर देखते ही देखते पूरा हरियाणा स्टोरी डालकर पेपर लीक से खिलाफ आवाज उठाने लगा। पेपर लीक नहीं, क्या मतलब ये सब ई लफड़े के लिए हो रहा है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और ऐसा नहीं है कि सब सोशल मीडिया के कलेश है, टीवी मीडिया ने ही इसे इनिशियली भाव दिया। मेरे साथ रजत हैं जो एल्विश की तरफ से आप यहाँ बातचीत। किसी की तरफ से नहीं आया हूँ, हाँ। पहली चीज, और कोई कंक्लूजन अभी निकला नहीं है, कल बातचीत होगी सब बड़ों के बीच में, जो भी चीज होगी कल पता लग जाएगी। नेशनल न्यूज, इंडिया 2024। या मुझे बस इतना बताओ कि न्यूज 24 वालों, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको ये टॉपिक कवर करना था? आई एम जस्ट वंडरिंग कि जब ये टॉपिक लॉक किया जा रहा था, आपकी जो जर्नलिस्टों की बैठक बैठी थी तो उसमें बातचीत क्या हो रही थी? वैसे सर, मणिपुर में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वो एक साल से चल रहा है, और केरला में वायरस फैल रहा है, तो हम क्या करें? और इंडिया में हंगर इश्यूज बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट आई है कोई? हाँ, देखा था। क्या देख रहे सर? नोएडा में ना कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है कुछ वीडियो क्रिएटरों के साथ, वही देख रहा था। इन्फ्लुएंसर? हाँ। स्टोरी मिल गई, स्टोरी मिल गई। रिपोर्टर भेजो ग्राउंड पे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लो, और सुनो डेटा टीम को बोलो स्टोरी आर्काइव प्रिपेयर करे। पूरा पाई चार्ट चाहिए मुझे, किस बिरादरी का कितना परसेंट किसको सपोर्ट है। प्राइम टाइम हेडलाइन होनी चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज, क्या जाट लगाएंगे अंजलियंस की वाट। मतलब जिसको देखो वो स्टोरी डाल रहा है, जनता पूरे मजे ले रही, खासकर स्टूडेंट्स, उन्हें अपने पेपर से कोई मतलब नहीं है। अगले दिन इंग्लिश का एग्जाम है, शेक्सपियर को लात मार के रजत दलाल की पोस्ट पढ़ रहे हैं। हरियाणा में रैलियां निकाल रहे लोग जैसे अन्ना आंदोलन चल रहा हो, और पूरा यूथ बस इसी को फॉलो कर रहा है। कोई काम वाम नहीं, ये कैन डू जनरेशन है। पता, तुम लोग की गलती नहीं है कि तुम लोग ऐसी भसड़ को तूल दे रहे हो। मणिपुर वाले बेवकूफ हैं, उनकी टेक्निक गलत है। वो बेचारे एक साल से चीख चीख कर मरे जा रहे हैं कि हमारी तरफ भी देख लो। नादानों को कौन बताए कि एथनिक वायलेंस तो कोई भी कर लेता है। हिम्मत है तो इंस्टा स्टोरी डालो, तब मिलेगा यूथ का सपोर्ट। मिजोरम के, आसाम के, दिल्ली के, राजस्थान के, और 36 बिरादरी और 30 राज्य के सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट है कि मणिपुर आ जाओ, हिम्मत है तो। लोकेशन हमने डाल दिए मैप पे 1947 में, जिसने हिम्मत है एक बार मणिपुर आ जाओ, सारा भ्रम दूर कर देंगे। ये लूटपाट, बलात्कार, आगजन तो कोई एरा गेरा कर ले, असली हिम्मत है तो आ जाओ इम्फाल, स्टोरी डालो इंस्टाग्राम पे। क्या मतलब, हमारा इंटरनेट बैन हो गया? चुल्लू भर पानी अगर हो तो उसको हाथ में भरो, उससे अपनी आंखें धो। ये पैरेडी नहीं है, ये रियलिटी है। मणिपुर, पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट, इलेक्टोरल बॉन्ड तो भूल ही जाओ। ये है देश के युवा, ये है इनकी प्रायोरिटीज, ये वोट देके आगे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। और देखो सही है, देश में इतने बेरोजगार हैं, एजुकेशन ना सही, एंटरटेनमेंट तो उनको मिलना ही चाहिए, कोई गलत बात नहीं। देखो भाइयों, जाट समाज, 36 बिरादरी, भाईचारा ऑन टॉप, सब कर लो, लेकिन सारे भाई मेहते एक बात सुन लो, डिसअग्री करो तो भैया कमेंट में खूब गाली पाड़ना और वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन अगर अग्री करते हो तो इस मैसेज को शेयर करके और भी लोगों तक पहुंचाना। तुम अपनी अगर जाट की और राजपूत कौम की अगर शान और ताक देख रहे हो तो एक बार जरा जूम आउट करके सोचो कि हो क्या रहा है। तुम्हें अगर अपनी बिरादरी का सही मायनों में स्टैंड लेना है ना, तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है हरियाणा की,
इस बात के लिए स्टोरी डालो। अगर अपने समाज का सही में उद्धार चाहते हो तो भैया पेपर लीक हो रहे हैं, जितने बच्चे कुछ तुम्हारे भाई हैं उनका भी फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, उनके लिए लो स्टैंड, वहां दिखाओ अपना सपोर्ट। मणिपुर है उसके लिए डालो स्टोरी, वो है जिनको तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, यहां करो ना भाईचारा ऑन टॉप। भाई ये सब हम इन्फ्लुएंसर लोग हैं, हमारी कोई जात नहीं होती, हमको चाहिए ब्रांड कोलैबोरेशन और एंगेजमेंट। लड़पट के 1-1 मिलियन फॉलोअर कर लेंगे और बाद में म्यूजिक वीडियो करेंगे साथ में और तुम्हारा पोपट हो जाएगा और आप अगले दिन फिर किसी कंट्रोवर्सी पे वोट या सपोर्ट करते दिखोगे। बट अंडरस्टैंडेबल है, इंडियन से हम, हमें अब मसाला अपने खाने के साथ साथ कंटेंट में भी चाहिए। और भी कई सारे अजीब सी न्यूज आए इस हफ्ते। अल्लू अर्जुन फैंस ने एक बंदे को पीट दिया क्योंकि वो जय अल्लू अर्जुन नहीं बोल रहा था। शंकर महादेवन को शिवरात्रि पे इसलिए करे आया गया क्योंकि वो बॉलीवुड गाना गा रहे थे। और हाँ, वो टप्पू और बबीता जी की सगाई हुई कि नहीं ये भी तो देश का मुद्दा है। एक कॉन्ट्रोवर्सी जेठालाल और अय्यर भाई की भी करवा दो, वहां भी फुल सपोर्ट। हम दुखी थे लेकिन हमसे ज्यादा दुखी दो और लोग थे। और अब अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में #FullSupport लिखकर बताइए। आप हमारे बड़े हैं, पूजनीय हैं, गलत बोल रहे हैं तो भी बताइए, अगर सही बोल रहे हैं तो थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए। अपने भी विचार बताइए इस बारे में कि भाई देश का युवा है वो कहां जा रहा है, क्या हो रहा है। ओके, हफ्ते की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, जब सरकार ने CAA को लागू कर दिया। याद होगा ना तुमको वो क्रोनोलॉजी वाला मीम 2019। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAB आने जा रहा है, CAB आने के बाद NRC आएगा। भूल गए तो याद दिला देता हूँ कि 2019 के टाइम पे सरकार 2-3 ऐसे कानून लाई थी जिसपे बहुत बवाल हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC वगैरह वगैरह, जिसको लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, जिसके बाद सरकार ने इन कानूनों को ड्राफ्ट में डाल दिया था, अब जाकर पब्लिश किया है। हर चीज इंस्टाग्राम के टर्म्स में क्यों बोलने लगा हूं। बेसिकली ये कानून ये कहता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो भी हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हैं, इन कम्युनिटीज से जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर, जो रिलीजियस पर्सिक्यूशन का शिकार होकर इंडिया आए हैं, उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और इसकी टाइमलाइन भी फिक्स की गई है कि जो दिसंबर 2014 के पहले क्या के रह रहे हैं, ये है मोटा मोटा मामला। और जब से ये कानून लागू हुआ है, हमारे भारत का एक राज्य है जिसमें इसको लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई सारे वहां के लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सड़क पर उतरे इस हफ्ते और उन्होंने प्रोटेस्ट किया CAA के खिलाफ। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है और असम में ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, और इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, आप थोड़ी देर में समझ जाओगे क्या। असम जो है वो एक नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता हुआ स्टेट है, बाकी सारे जो स्टेट्स हैं उनमें ILP लगता है, यानी कि वहां सिटीजनशिप नहीं मिलती, इसीलिए जो बाकी सारे रिफ्यूजीज होते हैं बांग्लादेश के वो असम में जाके सेटल होते हैं। और यहां पर जो मसला है वो धर्म के बेसिस पे नहीं बल्कि इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे है। ऐसे में लोगों का कहना है कि वैसे भी उनका स्टेट जो है वो अपनी आइडेंटिटी खो रहा है, माइग्रेशन से डील कर रहा है, और अब ज्यादा और अगर इमिग्रेंट्स आएंगे तो उनके कल्चर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, उनकी जॉब्स को खतरा है, उनके कल्चर को खतरा है। आप वहाँ से आने के बाद कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा वो भी तो देखने वाली बात है ना, पहले रहने वाले लोग फिर वहाँ से आने वाले लोग, कितने सारे लोग होंगे, एम्प्लॉयमेंट, घर देना, सबको अच्छे से खाना पानी, सुख सुविधाएं देना, ये सब बहुत काम आ जाता है, कितना हो सकेगा। रिसोर्सेस आर वेरी लिमिटेड, बट द माइग्रेशन इज एक्सपांडिंग डे टू डे, तभी उसके हो रहा है, मतलब इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बट ऑल्सो रिलीजन नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारे रिलीजन लाए नहीं रहते क्या, मतलब कि यही रिलीजन इंडिया में रहते हैं क्या, ऐसा तो बात नहीं है ना, बहुत इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। हम एक देखिए तो छोटा स्टेट ही है, डेवलप होना बहुत बाकी है, हम ऑलरेडी फ्लड्स एंड ऑल बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हमारा टेराइन ऐसा है कि हम यहाँ मतलब रैम्पेंट अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकते, तो हमें नेचर के साथ थोड़ा रहना पड़ता है। लेकिन ऑलरेडी अब तक हमने सिंस 1971 नहीं उससे भी पहले से 1947 से जब से पार्टीशन हुआ है हम तब से इमिग्रेंट्स ले ही रहे हैं। अभी अगर CA में आप 2014 का वो मतलब टाइम लिमिट देते हैं तो इससे ये नहीं होगा कि पहले जो आए हैं, इसमें ये नहीं बोला गया है कि जो इल्लीगली आए उनको निकालेंगे, इसमें ये बोला गया है कि जो हिंदू है, जो हिंदू माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन की वजह से आया है उनको हम सिटीजनशिप देंगे, मतलब उनको हम इक्वल राइट्स देंगे। तो इससे क्या होगा, जो ऑलरेडी है उनका क्या होगा, इससे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। जो NRC बोलता था कि हम जो इल्लीगली आए हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, उनको पहचानेंगे, उनको बाहर करेंगे, लेकिन CA क्या बोल रहे हैं कि हम हिंदूज को देंगे, इससे ये साबित नहीं हो रहा है कि वो लोग बाकियों को बाहर करेंगे कि नहीं। आपका इस मामले में क्या सोचना है, क्या हमारी नेशनल पॉलिटिक्स के लिए CA एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है जो जिससे देश को हेल्प मिलेगी, या एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसको 24 इलेक्शंस के पहले स्ट्रेटेजिकली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कमेंट सेक्शन में #CAA लिखकर जरूर बताइए। एंड ऑफ कोर्स अगली बड़ी न्यूज रही इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। काफी टाइम से हमारा सुप्रीम कोर्ट SBI की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा था कि भैया डेटा निकालो, कहां छुपा के रखा है, मार्क जुकरबर्ग हो क्या।
और SBI ने पूरा डेटा कि कितने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कितनी कीमत के, किसने खरीदे, ये सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया। इलेक्शन कमीशन ने इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया और उसके बाद ऑब्वियसली भूचाल मच गया। कुछ बेसिक डिटेल्स आपको बता देता हूँ मोटा मोटी कि कितना क्या है भैया मामला। अगर आप इंडिविजुअल्स और कंपनीज को मिलाओ तो कुल मिलाकर 1200 एंटिटीज ने पिछले 5 सालों में 12,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। 12,000 करोड़, तुम्हारी 12,000 की सेविंग्स भी नहीं हो पाती ना। जला नहीं रहा हूं, असलियत बता रहा हूं मैं तो, कि भाई नंबर इतना बड़ा है, दिल पे क्यों ले रहे हो? मरना तेरे को डर नहीं लगता? अभी जो कंपनीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे वो कई सारे प्रकार की हैं। एक मेगा इंडस्ट्रीज है, वेदांता है, SL ग्रुप है, केवेंटर है, भारतीय एयरटेल। एयरटेल 200 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए तुम लोगों ने? 200 रुपए का बिल माफ नहीं हो रहा मेरा? खैर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू सबसे ज्यादा फंडिंग जिस पार्टी को मिली वो थी बीजेपी। ऑलमोस्ट आधी फंडिंग इन्हीं को मिली है, 6,000 करोड़ के लगभग। और इसीलिए इसमें शामिल है TMC, BRS, DMK, कांग्रेस। अगर आप एक पैटर्न देखोगे तो वो ये है कि जो पार्टी स्टेट में पावर है उनके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड ज्यादा खरीदे गए। और ये होता बेसिकली किकबैक्स के लिए। ऊपर ऊपर लेवल पे कैसे काम चलता है कि भैया आपकी पार्टी पावर में, आपको अपने स्टेट के लिए प्रोजेक्ट्स निकालने हैं, टेंडर्स निकालने हैं, वो आप हमारी कंपनी में दो, जो हमारे पास पैसा आएगा थोड़ा सा बैकडोर से आपके जेब में भी हम डाल देंगे। है कि नहीं भाई, विन विन सिचुएशन? बात तो सही है। लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा उठा, जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो हमें सोचना बहुत जरूरी है, और वो बात ये है कि एक पैटर्न रिकॉग्नाइज हुआ है कि इन जो सारे डोनर थी लिस्ट है, इनमें से जो टॉप 30 डोनर्स के करीब थे, इनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी जैसे कि ईडी की जांच चल रही थी। और जहां यहां पे जांच चल रही थी, इनके कुछ एसेट्स अटैच हुए, इनकी कंपनीज पे बात आई, या इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के पार्टीज को फंडिंग की। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो एज ए टैक्स पेयर आपको यहां पर पूछना चाहिए वो ये कि क्या सेंट्रल एजेंसीज को एक टूल बनाकर वसूली तो नहीं की जा रही थी इन कंपनीज से, कि इससे पहले आपके यहाँ ईडी पहुंचे आप SBI पहुंच जाओ, तुम मुझे बॉन्ड दो मैं तुम्हें क्लीन चिट दूंगा, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा था? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में #electoralbonds लिख के बताओ जरा, स्कैम वैम कर रही है ये लोग। अगली न्यूज है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को लेकर। इंडिया ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज में एक माइलस्टोन अचीव किया है, और वो क्या बताता हूं। हमारे देश की डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने सक्सेसफुली मिशन दिव्यास्त्र कंप्लीट किया, जहां बेसिकली जो अग्नि 5 मिसाइल है उस पर सक्सेसफुली MIRV टेक्नोलॉजी का टेस्ट हुआ है। MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, इसका बेसिकली मतलब ये होता है एक तीर से 2 निशाने या 3 निशाने या 4 निशाने, मतलब कि एक ही मिसाइल पे मल्टीपल वॉरहेड्स होना। और ये टेक्नोलॉजी काफी एक्सक्लूसिव है, इंडिया के पहले USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और UK जैसे देशों के पास ही थी। ये एक ऐसे देश है, आप कभी भी देख रहे हो कोई भी ऐसा रिपोर्ट आए कि इंडिया ने अचीव किया है, इसके पहले सिर्फ 2-3 देश कर पाए थे, तो उनमें हमेशा USA, रशिया, UK, चाइना और फ्रांस का नाम आता है। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। खैर, ये MIRV टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, इससे हमारी आर्म फोर्सेस को कितना फायदा होगा, और इंडिया एज अ ग्लोबल सुपर पावर क्या असर पड़ेगा इससे, ये हम समझेंगे राउज आई स्टडी सर्कल के अक्षय व्रत सर से। अग्नि 5 अपने आप में बहुत ही स्पेशल मिसाइल है। इसकी कैपेबिलिटी 5000 किलोमीटर्स को हिट करने की है, मतलब हम एक लोकेशन से 5000 किलोमीटर्स तक के किसी भी एनिमी डेस्टिनेशन को टारगेट कर सकते हैं। इसको पहली बार सक्सेसफुली 2012 में टेस्ट किया गया था, और अभी हाल ही में अग्नि 5 में हमने एक और मेजर टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया है जिसको हमने MIRV बोला है। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इसकी खास बात यह है कि हमने जो ओवरऑल पेलोड है उसको स्मॉलर मल्टीपल पेलोड्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसकी एडवांटेज ये होती है कि हम एक मिसाइल से मल्टीपल पेलोड्स और मल्टीपल टारगेट डेस्टिनेशंस को हिट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए हमने इंडिया से एक मिसाइल लॉन्च करी, और अगर हम किसी भी स्ट्रैटेजिक एनिमी कंट्री को टारगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना के ईस्ट कोस्ट के एरियाज़ को टारगेट करते हैं, तो ये एक मिसाइल 3 पेलोड्स कैरी करके 3 डिफरेंट टारगेट्स को हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अग्नि 5 में एक डिकॉय टारगेट को भी ऐड ऑन किया जा सकता है। वो डिकॉय टारगेट किसी भी एनिमी कंट्री के इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम को टेक केयर कर सकता है। सो इन दैट केस आप इस मिसाइल से नॉट ओनली यू कैन हैंडल द इंटरसेप्टर सिस्टम ऑफ द अदर कंट्रीज, बट यू कैन स्टिल मेक श्योर दैट योर मिसाइल्स आर रीचिंग द डिजायर्ड टारगेट। इसकी एक बहुत खास एडवांटेज मिलती है इंडिया को टू बिकम स्ट्रैटेजिकली वेरी पावरफुल ओवर द एनिमी कंट्रीज। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ चाइना का, तो चाइना ने ये टेक्नोलॉजी हमसे पहले डेवलप कर ली थी, एंड अब इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी आने की वजह से एक बहुत हद तक एक मिनिमम डेटरेंट का भी काम करेगा, और एक स्ट्रैटेजिकली एलोकेट करके ये चाइना के काफ़ी सारे स्ट्रैटेजिक अब यू नो एग्रेशन टुवर्ड्स इंडिया उसको भी टेक केयर कर सकता है। और इस मिशन की खास बात ये भी है कि इसका जो टेस्ट मिशन था इसको हेड करने वाली एक फीमेल साइंटिस्ट थी, तो ये अपने आप में इस वजह से भी स्पेशल बन जाता है। अगली काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है फूड से रिलेटेड। अगर आप फूडी हैं, खाने के शौकीन हैं,
तो एक टेस्ट एटलस नाम की मैगजीन आती है जो दुनिया भर की अलग अलग डिशेस को रैंक करती है। कभी सब्जी को रैंक करते हैं, कभी बियर को रैंक करते हैं, कभी मिठाई को रैंक करते हैं। और एक और रैंकिंग इन्होंने निकाली है कॉफी की, कि सबसे अच्छी कॉफी दुनिया में कहां मिलती है, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्यूबन एस्प्रेसो है वो दुनिया की नंबर वन कॉफी डिश है। और दूसरी लिस्ट में नाम है वो है साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी का। बट इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंस्टाग्राम पेज है, बाकी सारे और दिखाता हूं। ऐसे इन्होंने चीज डेजर्ट्स की लिस्ट निकाली थी कि बेस्ट चीज डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। पहली है सरनिक कोई पोलैंड की, दूसरी इंडिया की है रसमलाई। तुम्हें क्या लगता है ओए, सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है तुम्हारी इंडिया की? मेरी है इंडिया की, तुम्हें पता मोतीचूर बर्फी है, पेड़ा है, बर्फी है, पेड़ा है और काजू कतली है। काजू कतली है और सबसे फेमस चलता है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन मेरा है, मोतीचूर के लड्डू। मिठाई की दुकान खोल रखी है यहाँ पे, न्यूज बताने आए ना हम, फालतू की बातें कर रहे हो। कौन सी मिठाई तुम्हारी फेवरेट है, ये कोई बात होती है? अभी मैं इनसे पूछ लूँ योर फेवरेट इंडियन मिठाई, बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग फेवरेट मिठाई करके, तो क्या ये बात सही रहेगी? मतलब ये बात न्यूज शो को शोभा देगी कि आप उनसे फेवरेट मिठाई पूछ रहे हो? लेकिन लोग बोलेंगे गाजर का हलवा, लेकिन फिर भी, लेकिन शोभा नहीं देगी तो कोई बात नहीं, सार्थक तो दे ही सकता है। बताओ यार कमेंट सेक्शन में तुम्हारी फेवरेट मिठाई कौन सी है, हैशटैग फेवरेट मिठाई करके। फेवरेट इंडियन स्वीट भी कर सकते हो। क्यों बे ओवरएक्टिंग करता है साला, ओवरएक्टिंग की औलाद, तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवरएक्टिंग के वजह। अच्छा आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक ऑनगोइंग कलेश चलता रहता है पेट ओनर्स और सोसाइटी वालों के बीच में, खास करके डॉग ओनर्स, कि भाई इनको फीड कर सकते हैं कि नहीं, घुमा सकते हैं कि नहीं, और जो सोसाइटी वाले होते हैं कि ये काट लेते हैं, ये ट्रेंड नहीं होते, और इसको लेकर जब तब नोएडा में लट चलते रहते हैं, है कि नहीं? अब इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है कि केंद्र सरकार ने कुछ डेंजरस ब्रीड्स ऑफ डॉग को बैन कर दिया है। जिन डॉग्स को डेंजरस डॉग्स की लिस्ट में डाला गया है वो है पिटबुल, रॉटविलर, टेरियर, वुल्फ डॉग्स, मैस्टिफ्स और मेरा दोस्त सत्यम। भाई बहुत बड़ा कुत्ता है वो काटता नहीं है, बस लोग उसका काट जाते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? Anyway, काफी टाइम से डिबेट चल रही थी कि जो एग्रेसिव ब्रीड्स ऑफ डॉग है इनका हमको क्या करना चाहिए। कई सारे लोग हैं जो इसके खिलाफ पिटिशंस डालते हैं तब तब कोर्ट्स में, और ऐसी बातें चलती रहती हैं। हालांकि मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोई भी डॉग ब्रीड हो उसको जितना आप बेहतर तरीके से ट्रेन करोगे वो उतना ही अच्छी तरीके से डोमेस्टिकेट होगा। कई सारी ब्रीड्स ऑफ डॉग्स हैं जो हाँ, अगर आप उनको प्रॉपरली ट्रेन नहीं करोगे देन दे कैन बी अग्रेसिव एंड कोट अनकोट डेंजरस ब्रीड ऑफ डॉग्स। आपका इस मामले में क्या कहना है, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में हैशटैग डॉग्स करके अपना ओपिनियन कॉमेंट कर सकते हो। खैर अगली खबर है हरियाणा से। मनोहर लाल खट्टर अब वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। उन्होंने एक बार इंशाल्लाह क्या बोला, उनका अस्तगफुरुल्लाह हो गया। मनोहर लाल खट्टर जो काफी टाइम तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, इस हफ्ते उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया और अब कुरुक्षेत्र से एमपी रहे नायाब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नायाब सिंह सैनी के बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स बता देता हूं। काफी टाइम से पार्टी से जुड़े रहे हैं, यूथ लीडर भी रहे हैं, एक कार्यकर्ता लेवल से स्टार्ट किया था, ऊपर तक आए हैं और बहुत जल्दी इन्हों को पार्टी के अंदर प्रमोशन मिला था और काफी सारे पोस्ट संभाले इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, यूथ विंग लीडर, ये स्टेट प्रेसिडेंट, वो स्टेट प्रेसिडेंट, और फिर अब अल्टीमेटली जाके ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एंड से अगर आप सरप्राइज हो रहे हो तो आप लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में बीजेपी ने ऐसे कई सारे चेहरे हैं जो सीएम पद के लिए लाए जो उससे पहले उतने ज्यादा फेमस नहीं थे। चाहे आप राजस्थान के भजन लाल शर्मा ले लीजिए, या आप छत्तीसगढ़ के देव साहब ले लीजिए, सैनी साहब यहाँ से हो गए, और या आप मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी देख लीजिए। इनफैक्ट हम जब मध्य प्रदेश में घूम रहे थे तो हमने कई सारे लोगों से पूछा था कि क्या जो आपके नए मुख्यमंत्री हैं इससे पहले आपने उनका नाम भी सुना था, तो बोले नहीं साहब इससे पहले तो हमने नाम भी नहीं सुना था। तो वही बात है कि जो ये जो पार्टी है बीजेपी, ये ऐसे ऐसे पासे खेलती है कभी कभी कि जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं ये भाई साहब ये क्या हुआ, आउट ऑफ सिलेबस आए। अभी जो मोहन यादव जी आए हैं अपने नए मुख्यमंत्री, इनका नाम भी सुना था आपने पहले? नहीं। ये अपने जो नए सीएम बने हैं मोहन यादव जी, इनका नाम सुना था आपने सीएम बनने से पहले? नहीं नहीं सुना है। ओके, लास्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इतना न्यूज में नहीं रहता, बट हम अपने शो में कोशिश करते हैं कि इसको बार बार फ्रंट पे लेते आते रहें, क्योंकि इस टाइम पे ये ना सिर्फ देश की, दुनिया की, ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक और नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने बताया है कि ना सिर्फ लैंड का टेम्परेचर बल्कि सी का टेम्परेचर भी अब राइज कर रहा है। इस साल की फरवरी का जो एवरेज ग्लोबल सी सर्फेस टेम्परेचर था वो सबसे ज्यादा था 21 डिग्री सी, लगभग 1980 से हम सी का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं और तब से कॉन्स्टेंटली जो ग्लोबल सी टेम्परेचर है वो भी राइज कर रहा है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट है जो जब तब सामने आती रहती है जो ग्लोबल वार्मिंग के डिजास्ट्रस इफेक्ट बताती है। कुछ ही टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसने बताया था कि अब हीट इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इतना ज्यादा गर्मी हो रही है कि जो रेन फॉरेस्ट है उनमें फोटोसिंथेसिस ना होने का डर है, मतलब फिर तो वेजिटेशन पर ही खतरा आ जाएगा। कई सारी जो रिपोर्ट्स आती हैं बताती हैं कि कोरल हेल्थ जो है वो खराब हो रही है, मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वातावरण में 1-2 डिग्री के चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस इतने मैसिव हैं कि ग्लोबल लेवल पर, एक बड़े लेवल पर पूरा
सिस्टम खराब कर सकते हैं। तो जरूरी है कि ये वाला एक जो टॉपिक है, जो ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, हम कम से कम अपनी अगली जनरेशन के लिए इसको मेन स्ट्रीम में लेके आए, इसको ऐसा मुद्दा बनाए, इसके बेसिस पे अपने वोट दें। अभी तो नहीं होगा, बट होपफुली अगले 5 साल में जब हमारी ये मजबूरी बन जाएगी तब हम करेंगे। और जनाब क्या चल रहा है इस हफ्ते? रजत और राजीव भाई के बीच में अगर कोई कन्या थी जो वायरल हुई तो वो थी ये वाली दीदी। आप में से कई लोगों ने अपनी फीड पे इनकी वीडियो जरूर देखी होगी। ये दिल्ली में वड़ा पाव का स्टॉल लगाती हैं और अलग अलग तरह की वीडियो वायरल हो रही है। किसी वीडियो में ये रो रही है, किसी में इनकी स्टॉल पर लंबी लंबी लाइन लगी है वड़ा पाव खाने के लिए, वो भी दिल्ली में। तो उसमें ऐसी क्या बात है जो हम में नहीं है? एक ऐसे ही वो कोलकाता के लाला चंगानी भाई है, वो गाली देते हैं, ये रोती हैं। मैं बता रहा हूँ लोग खाने के लिए नहीं, कंटेंट के लिए फेमस हो रहे हैं आजकल। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ है सब। क्या करते हो? ए, पागल है क्या? हाँ, ये वाला वीडियो जिसमें एक कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, जो बाद में पता चला कि एक डीप फेक वीडियो था। इन्होंने नहीं बोला था, इनसे बुलवाया गया था। अगर एआई एक इंसान होता ना तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता अब तक। खैर, इस वीडियो में योगी जी बता रहे थे कि मेडिसिन कुछ ले लो, उससे ये फायदा हो जाएगा वगैरह वगैरह। और जैसे कि हमने पिछले संडे शोज में डिस्कस किया है कि नए आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई फेक या फिर कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है वो शेयर होता है, तो जिस हैंडल से शेयर होता है उसके और जिस प्लेटफॉर्म पर वो शेयर किया गया है उस तक के खिलाफ पर कार्रवाई हो सकती है। इस केस में जिस अकाउंट से शेयर किया गया उस पर कार्रवाई हो गई है। और ये तो फास्ट फ्यूरियस का कोई क्लिप भी नहीं था, सीधा डीप फेक था। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम पर ये डीप फेक्स पे जो फैक्ट चेक है बहुत ज्यादा अब नॉर्मल होने वाले हैं। आप सोच के चलिए कि जो भी आप हर दूसरी वीडियो देख रहे हो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और स्मार्ट हो रही है, एआई और स्मार्ट हो रहा है, वो वीडियोस फेक और रियल वीडियोस में डिफरेंस जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर देगा। फिर कोई भी वीडियो को आपको विश्वास करने से पहले एक बार उसको फैक्ट चेक करना पड़ेगा, एक बार उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये आजकल के टाइम की रियलिटी है। एक और वीडियो जो वायरल हुई वो थी एक कॉलेज के ऑडिटोरियम से। हुआ ये कि इस कॉलेज में नशा मुक्ति पर एक सेमिनार हो रहा था जिसमें कुछ पुलिस ऑफिशियल्स आए थे और वो उस पर अपना भाषण दे रहे थे, और उसी बीच ये लड़का जो काफी ज्यादा बहादुर है और काफी ज्यादा भक्त, खैर ये लड़का खड़ा हुआ और पुलिस अधिकारी को ही कन्फ्रंट करते हुए उसने कुछ ये कहा। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट गई है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? इसने पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी, वही सारी पोल खोल दी उसने कि आप क्या नशा मुक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो, आधे नशेड़ी तो यहीं बैठे हैं, ये खुद जॉइंट रोल कर रहा था आने से पहले, केएफसी में वीगनिज्म का प्रचार कर रहे हो आप। खैर, एक और वीडियो वायरल हुई जब एक एमएमए फाइटर है मणिपुर से, चुंगरेन कुरेन, इन्होंने अपना एक एमएमए का मैच जीता जिसके बाद इन्होंने देश भर से एक इमोशनल अपील की। सुनिए। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए। फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है, पहले तो आपको देख के इसको शर्मिंदा होना पड़ता है कि जहां बाकी सारे स्टेट्स में अगर आप कोई फ्लाईओवर, कोई हॉस्पिटल, कोई चाय की टपरी का भी उद्घाटन हो तो कोई ना कोई नेता पहुंच जाता है, यहां पर एक ऐसा राज्य है जो एक साल से वायलेंस की चपेट में है, और यहां पर वहां के लोकल लोगों को, जो लोकल वहां के एथलीट्स हैं, उनको एक स्टेज ढूंढकर अपनी आवाज को उठाना पड़ रहा है कि सर प्लीज एक बार आके आप विजिट कर लीजिए, आप शायद आएंगे तो थोड़ा वायलेंस कम होगा, थोड़ा यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। और अगर आप उस अभी भ्रम में हो कि क्योंकि मणिपुर को उतना ज्यादा कवर किया रहा है, उतना ज्यादा आपके वो टाइमलाइन पर नहीं आ रहा, तो वहां सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो ये बिल्कुल गलत है। काम करने भी जाने नहीं देता, जाएगा एक दिन, जाएगा 2 महीना बच के रहना है, क्या करेगा? आपको याद करके तो मन भी रोता है, लेकिन बाहर में तो नहीं रहते, दिल में तो दुख होता है ना। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्प्लेस्ड हैं, जिनके घर उजड़ चुके हैं, जो बर्बाद हो चुके हैं, जो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं। कई सारे ऐसे हैं जो रिलीफ कैंप्स में छोड़ दिए गए हैं और उनको उनके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहां जाएंगे, कहां रिलोकेट करेंगे, उनको कोई मुआवजा मिलेगा, अथॉरिटीज उनके साथ क्या करेंगी, ये सारी असमंजस अभी भी वही है। नॉनसेंस। इस हफ्ते एक और न्यूज जो काफी ज्यादा चर्चा में रही वो ये कि दिल्ली में 2 गैंगस्टर्स की शादी हुई। आई एम नॉट मेकिंग दिस शिट अप, जेन्युइनली ऐसा हुआ है भैया, हेडलाइन पढ़ लो। गैंगस्टर्स जो जेल में बंद थे वो परोल पे वापस आए और उनकी शादी हुई, और न्यूज हेडलाइंस पे भी यही छपा कि गैंगस्टर की शादी हुई है। संदीप जिनका नाम है काला जथेरी और अनुराधा चौधरी जिनको मैडम मिंस भी कहा जाता है, ये 2 लोग हैं जिनकी शादी हुई फुल धूमधाम पुलिस सिक्योरिटी। ये 2 गैंगस्टर्स थे जिनकी शादी हुई और सबसे ज्यादा बराती उसमें पुलिस वाले ही देखने को मिले।
सुरक्षा बंदोबस्त भी देखना होता है ना, क्योंकि यहाँ बारात में गोली ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे भी चल सकती थी। चलो देखते हैं नॉन बरातियों का इंटरनेट पर क्या कहना है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस वेडिंग देन द अंबानीज। इंडिया इज डेफिनेटली नॉट फॉर बिगिनर्स। अब तुमको दिखाता हूँ डर की साक्षात तस्वीर। जब दुल्हनिया से एक हमारा रिपोर्टर भाई जाके इंटरव्यू लेने पहुंचा तो तुम देखो उसकी हालत क्या थी। राधा जी हमारे साथ मौजूद है। राधा जी शादी संपन्न हुई, कैसे शादी हुई? कैसे शादी हुई? टॉस किया था उन लोगों ने। हेड्स आया तो शादी और टेल्स आता तो मंगनी करते। अब ये जो एक सामाजिक रीति रिवाज है उससे शादी की तो आप अगर कहें तो अब आप पूरी तरह से संदीप की पत्नी हो। आधी तरीके की पत्नी होते हैं कुख्यात जो चल रहा है पूरे की पत्नी बन गई है। अगर अनुराधा जी पुलिस प्रोटेक्शन में नहीं होती ना तो सबसे पहले इसी भाई साहब की खातिरदारी होती। इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ जिया हो बिहार के लाला अगली घटना सुनो मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर गांव से, जहां पर एक शादी हो रही थी। शादी में सब लोग आए हुए थे, दूल्हा पक्ष, दुल्हन पक्ष, केटरिंग वाले, टेंट वाले, फोटो खींचने वाले, और इसी बीच खबर आई कि दुल्हन की विदाई के पहले साली की विदाई हो गई। क्या बात है? वो वीडियोग्राफर के साथ भाग गई या वीडियोग्राफर उसे भगा ले गया, पता नहीं, जांच अभी जारी है। ब्याह हो गया है, ला तुम्हारा बोझ उठा ले। और अब तुम्हें कमेंट्स पढ़ाता हूँ। सो दे क्लिक्ड, वर्ड प्ले करने का टाइम है ये, इसलिए लोग पहले बहनों की शादी करवाना चाहते हैं। भाई डीएसएलआर हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई। इंडिया इज डेफिनेटली नॉट फॉर बिगिनर्स। ये कमेंट तो आजकल हर न्यूज पे फिट बैठ रहा है। तुम लोग को मजाक चढ़ रहा है? सोचो लड़की के पापा पर क्या बीत रही होगी। कन्यादान से पहले कन्या नुकसान, मजाक नहीं करना चाहिए। खड़ा हूँ आज भी वहीं। अच्छा अगर आप में से कई लोग मेरी तरह हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा होनहार स्टूडेंट, तो एग्जाम के वक्त आपको कई बार नानी याद आई होगी। वो होता नहीं है कि क्वेश्चन पेपर देखा और कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अगर पास होना है तो भाई शीट भरनी है, थ्रेड लेना है, तो अपन कुछ भी लिख दे सकते हैं। मैंने एक बार अपने प्री बोर्ड्स में इंडिया पाकिस्तान मैच की पूरी समरी लिखी थी, हर्षा भोगले बनाता मैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान का एक भाई भी हमारी तरह था, वो भी जाके एग्जाम में कुछ भी कुछ 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 करके लिखाया, बट इसकी बदकिस्मती से टीचर ने पढ़ लिया। बच्चा समझता है कि जो असेसमेंट कर रहा होता है वो अंधा है, वो कुछ भी चेक करेगा और नंबर दे देगा। आप देखें इस कॉपी को गौर से, इसका मुताला करें, फिजिक्स की कॉपी में गाना लिखा हुआ है। क्वेश्चन, व्हाई द सेंट्रल रिंग ऑफ न्यूटन्स रिंग इज डार्क, स्टेट द रीजन। आंसर, बड़ा खतरनाक पेपर दिया है भाई लोग, कसम से दिल दुखता है मेरी जान, मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेबस ख्यालों में। अभी और देखो टीचर पूरा पढ़ के सुनाता है, बकायदा म्यूजिक भी देते हैं, तुन तुना तुन 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 और पता नहीं क्या 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 करे इस कॉम का। Okay, let me clear your confusion because I am sleeping between lectures, so I am not interested to clear your question. So leave me alone. इतना प्यारा गाना है, मैं तो दो नंबर देता। ये टीचर बड़ा खराब है बताओ। इतनी मेहनत से उसने पूरा गाना सुना, लिरिक्स समझे, लिखे और बाद में पूरी बीट भी दी उसने, तुनुक तुनुक तुनुक, और टीचर ने एक भी मार्क्स नहीं दिए, बताओ कितनी नाइंसाफी है। पाकिस्तान फॉर अ नेशन विच गेव अस कोक स्टूडियो, दिस इज अ क्राइम, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। स्टडी रील्स, लिखने में मेहनत लगा है, दो नंबर तो दे देते भाई। सवाल आपकी मर्जी के, जवाब हमारी मर्जी के। ज्यादातर इसमें इंडियन है जो मजे ले रहे हैं, पाकिस्तान वाले डिसोन कर दिए, इंडियंस हैं जो डिफेंड कर रहे हैं, ये असली भाईचारा। तो भाई ये सब है जो हमारे देश में और हमारे पड़ोसी देश में चल रहा है। पिछले हफ्ते की वीडियोस में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, कई सारे टॉपिक्स में बात की, और उन्हीं में से देखते हैं टॉप 5 कमेंट्स ऑफ द वीक। देवराज बोलते हैं, टुडे आई वेंट टू वन ऑफ माय हॉस्टल रूममेट एंड सॉ 3 बॉयज वाचिंग ए वीडियो एंड डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट एजेंडास, देन आई आल्सो जॉइंड देम एंड टॉक एंड आवर टॉक लिटरली लास्टेड फॉर 2 आवर्स ऑन डिफरेंट सोशल इश्यूज, यू आर द न्यू फेस ऑफ ट्रूथफुल इंडियन मीडिया, लव फ्रॉम वाराणसी। नहीं चाहिए भाई इतना मेरे को प्रेशर, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कुछ, तुम आराम से चिल करो, बात करो, यहाँ वहाँ के 4 कलेज करो और 2-3 गॉसिप मुझे भी बताओ, बट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो। बस सच्ची बताओ ना, आप पूरा इंडिया घूमे, आपको कैसा लगा इंडिया, कैसे लगे लोग? जैसे हम डेली बेसिस ट्रैवल करते हैं, लोकल ही हैं हम, तो इतने लोगों को मिलते हैं, पर आपको कैसा लग रहा है? होप यू गॉट माई पॉइंट। बाय द वे मैं हर संडे वीडियो देखता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है। हार्दिक इसमें ये है ना कि कैसे लगे लोग, हर तरह हर जगह के लोग जो हैं अलग हैं। इसको मैं बोलूँगा कि स्टेट वाइज क्लासीफाई नहीं कर सकते, पर सिटी वाइज और रूरल एरिया वाइज वैसे आप क्लासीफाई कर सकते हो। मुंबई में तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फास्ट थे, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में थे, है ना। छत्तीसगढ़ के गांव में आप कहीं जाओ, उड़ीसा के गांव में जाओ, तो वहाँ ऐसा लगता है कि भाई एक बार सुबह वो बैठ गए तो शाम को उठ सीधा बातें बातें करके ही अपनी पूरी उठेंगे। हॉस्पिटेबल जो हैं वो सब लोग हैं, सब लोग बहुत वार्म होते हैं। और एक चीज़ जो मैंने हर जगह नोटिस की कि वहाँ जहाँ पे कल्चर थोड़ा अलग था, जैसे साउथ में हम लोग गए या आजकल हम लोग ईस्ट में,
तो वहां पे ना जब वो सुनते हैं कि आप दिल्ली साइड से आ रहे हो तो बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि अरे अरे आप वहाँ ऐसा होता है क्या, फिर अपने कल्चर की बातें बताना और हमारे कल्चर की बातें जानना, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत प्यारी लगी मुझे। वीर सावरकर के बारे में बात हुई थी, उसी को लेकर हर्षित जैन लिखते हैं, आई ट्रूली थिंक दैट एवरीवन हु हैड एवर गिवन हिज और हर वन ऑफ इवन वन सेकेंड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया, ही और शी इज द फ्रीडम फाइटर फॉर मी। हाँ भाई, ये बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ। आप गांधी के बारे में कुछ, आप गांधी को महान मानते हो ना मानते हो, वीर सावरकर को महान मानते हो ना मानते हो, ना मानते हो का मुझे लगता है कि उतना ऑप्शन आपके पास है नहीं, क्योंकि एनी वन हु हैज बीन इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल राइट फ्रॉम जो ऊपर लेवल पे हैं गांधी नेहरू वो वाली लीग, या वो भी आदमी जो भाई किसी इंडिया के किसी भी कोने पे ब्रिटिशर से एक डंडा भी खाया ना उस मूवमेंट के लिए, तो वो एक फ्रीडम फाइटर है। और हम लोग जो, हमारे लिए तो वो हमारे पूर्वज हैं कई सारे लोग, तो हमारे लिए तो बस एक आदर होना चाहिए। वी कांट, हमारी वो औकात नहीं है कि हम उनको बताएं कि वो कितने मान थे कितने नहीं। द फैक्ट दैट आई न्यू अबाउट एल्विस कॉन्ट्रोवर्सी थ्रू मीडिया एंड लद्दाख प्रोटेस्ट फ्रॉम व्हाट्सएप फॉरवर्ड इज सच अ सैड थिंग। सीमा से पार आई हैदर पर लोगों ने न्यूज चला रखे हैं और सीमा के अंदर सीमा पर हो रहे आंदोलन पर लोगों ने चुप्पी पकड़ रखी है। ओ भाई, ये कितना सही ऑब्जर्वेशन है कि हाँ, जो सीमा पार से सीमा आई थी उस पर तो आपने 500 दिन डिबेट की, लेकिन जो सीमा के अंदर न्यूज थे, जो अपने अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मणिपुर की हो रही है, जो हसदेव का हो रहा है, उस पर पूरी मीडिया चुप है। गुड कॉमेंट। अभिषेक कुमार लिखते हैं, हमको क्यों सिलेक्ट नहीं करते, बिहार वालों से दुश्मनी है क्या भैया, ना संडे शो में बिहार आ रहे हैं, हम लोग का सब्सक्रिप्शन भी नहीं दे रहे। बिहार वालों से दुश्मनी नहीं ले सकता भाई, मैं मेरा कुछ भी चुरा सकते हैं वो लोग, मुझे खासा डर लगता है भाई, मेरा एंगेजमेंट चुरा सकते हैं वो लोग, कुछ नहीं, नहीं बिहार वालों से दुश्मनी नहीं लेता मैं। ये थे इस हफ्ते के कुछ वेरी रैंडम 5 कमेंट्स ऑफ द वीक। इन्हें मिलेगा एक महीने का फ्री संडे सभा का सब्सक्रिप्शन, जहां हमारा जो न्यूज़लेटर है डायरेक्टली इनके व्हाट्सएप पर डिलीवर होगा। अगर आप न्यूज़लेटर चेक करना चाहें, इस हफ्ते का फ्री न्यूज़लेटर मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको लगे कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है तो आप ऑब्वियसली उसको परचेज भी कर सकते हैं, 150 रुपीज महीने का पड़ता है। तो अगर आप परचेज नहीं करना चाहें, लकी विनर बनना चाहें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में #sundayvichar लिखकर कुछ भी आप वीडियो के बारे में कमेंट कर सकते हैं, हमको एंगेजमेंट दीजिए, हम आपको न्यूज़लेटर देंगे। चलो जल्दी जल्दी संडे भारत जर्नी का अपडेट देता हूँ। 2 एपिसोड ही हैं इस हफ्ते जो हम लोग रिलीज कर पाए, अगले हफ्ते बहुत सारे एपिसोड रिलीज होंगे। जो 2 एपिसोड रिलीज हुए, एक तो हम लोग मध्य प्रदेश में सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर थे, तो एक नेशनल पार्क के अंदर जो गांव होते हैं, बसते हैं, जो ट्राइबल विलेजेस होते हैं, उनमें क्या तकलीफें आती हैं, वो क्या परेशानी झेलते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसे होती है, वो आपको इस वाली वीडियो में देखने को मिलेगी। और दूसरी वीडियो, हाल ही में हम लोग कोलकाता में थे, तो कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली थी, जन आक्रोश रैली, हम लोग वहाँ पे गए थे, तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मजे किए थे। हैं पूछा था कि भैया मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है, संदेश कली के बारे में क्या ख्याल है, ये सारे सवाल पूछे थे और पूरे बंगाल का लेखा जोखा समझा था। तो आपको अगर वो वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल एंगल देखना है तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अगले हफ्ते केरला की, तमिलनाडु की और साउथ की जो स्टेट्स हैं उनके हमारे और वीडियो सामने आते रहेंगे। तो संडे शो के साथ संडे भारत जर्नी भी फॉलो करना मत भूलना। नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। तंग किया गया। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। ताली बजाओ। अगले सेगमेंट में देखेंगे इस हफ्ते के सबसे वायरल मीम्स। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। ये देखो, तुम सबसे अच्छा कमेंट ये लगा, किसी ने बेनी भट्ट ने कमेंट किया, अब की बार 400 पार। फिर बेनी भट्ट ही नीचे कमेंट रिप्लाई करते हैं, पेट्रोल प्राइस की बात कर रहा हूं। करप्शन का तरीका थोड़ा केजुअल है। वाह मोदी जी वाह। इंजर्ड प्लेयर्स व्हेन आईपीएल इज अबाउट टू स्टार्ट। विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। इट्स चीप एंड नॉकिंग एट एप्स्टीन आइलैंड। 69 मिस कॉल्स फ्रॉम ऋषभ पंत। मुझे क्यों तोड़ा? फोटो तभी अच्छी आती है जब शानदार उजाला हो, और रील्स तभी चलती है जब साथ में पुलिस वाला हो। वाह वाह बढ़िया। वाह वाह, क्या बनना है? पुलिस वाला नेता बनना है मुझे। असली पावर तो वही होती है भाई, डिस्ट्रॉयड इन अ सेकंड। ये पक्का हो जा सर का स्टूडेंट है। पुलिस तो सब बनते हैं साहब, राजा बनना है तो आप नेता बन के दिखाइए। स्टार्टिंग आफ्टर विक्ट्री इन चंपारण सत्याग्रह। भाई अंकल जी बिल्कुल गांधी जी के एकदम डोपलगैंगर लग रहे हैं यार। सुबह असॉल्ट, रात को असॉल्ट। कैमरामैन इज नाथूराम घोट से। बाय बाय बिकॉज़ ही शूटिंग। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। जैसे बचपन के कुछ ड्रीम्स होंगे जो आपको बड़े होकर पता चला ये तो सच हो नहीं सकते। हाँ हाँ, एक था पर कि हमारे स्कूल हो, उसके अंदर आतंकवादी आ जाए, हम बचाएं, उसमें हीरो बन के बस ये था। स्कूल में आतंकवादी आ जाए,
हम लोग तो खुद अपने स्कूल के आतंकवादी थे। अगर तुमने अपने स्कूल में एक ऐसा कांड कलेश नहीं किया है जिसमें तुम्हारे मतलब बिल्कुल टीसी कटने की नौबत है, तब तुमने स्कूल लाइफ क्या एंजॉय की। जाओ जाओ अपने प्रिंसिपल का बटुआ मार लो, जाओ मैथ टीचर की गाड़ी पंचर कर दो। ये क्या बात करता है यार। कहता अगरबत्ती में सुतली बम लगा के उसको टाइम बम बना दिया। ये ऐसे हैं यार ये लोग, ये बच्चे मतलब कोई ये तमीज थोड़ी है, इसलिए आते हो स्कूल, इसलिए पढ़ाया लिखाया माँ बाप ने तुमको। अपने प्रिंसिपल का बटुआ मार लो जाओ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और एक हमारे भिवंडी के भिखारी इलाके में भीख मांगने वाले भिखारियों ने आपस में पैसे इकट्ठे करके सड़क पर लगा सरकारी सिग्नल ठीक करवा दिया है। भिखारियों का कहना था कि सिग्नल खराब होने की वजह से गाड़ियां ब्रेक नहीं लगाती जिससे हमारा धंधा मुतासर हो रहा था। भिखारी नहीं अधिकारी, परफेक्ट मिक्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। देखो पढ़ाई भी आ गई यहाँ पे, अब इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा अगर रिटर्न चाहिए तो। सही बात है, दिस इज बिजनेस। अब तक मैंने तेरा वेट करा अपनी लोकेशन पे, लेकिन अब तू जाएगा मैं तेरी लोकेशन पे आ रहा हूँ। अब वहीं रहियो। ओटीपी डाल दूंगा तेरा पिछवाड़े में 15.5 नंबर का पूरा, समझ गया। चल चुपचाप चल, तेरी लोकेशन पे आ रहा हूँ मैं। लोकेशन अभी आएगी उसकी स्टोरी पे तब बताऊंगा, अभी चलता रह तू। भैया बेल्ट पहन। बैठ तू, मैं चलाऊंगा गाड़ी। भैया चला। मैं चलाऊंगा गाड़ी इधर। अरे लड़ाई हो रखी है, वो लोकेशन बंदे खड़े यार, 4000 बंदे ला। मैं अकेला लग रहा हूँ, अकेला ड्राइवर वाले भैया के साथ। कभी क्या कमेंट में लोकेशन लिख, वहीं आऊंगा, वहीं मारूंगा तुझे। आंध्र प्रदेश आगे मारूंगा, रुक साले, साउथ इंडियन स्टाइल में मारूंगा तुझे। अब तू गया तेरा खून। एवरीवन इज बदमाश अंटिल दलबीर नंबरदार एंटर्स। मैं कॉर्पोरेट समाज की तरफ से आ रहा हूं। अंजलियंस भी लोकेशन पे खड़े। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और भैया इसी के साथ हमारा संडे शो इस हफ्ते का खत्म होता है। पूरे 36 बिरादरियों से अनुरोध है कि अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो भैया प्लीज एक बार लाइक करके जाना। भाई नू आपने लाइक देना है, कमेंट देना है, तरक्की हमारी भी हो। हम पूरी तरक्की करेंगे तो अपनी बिरादरी तरक्की करेगी, है कि नहीं। तो लाइक कर देना भैया, अच्छी बातें लगी हो 2-3-4 तो भैया शेयर करके 4 लोगों तक और पहुंचा देना। और अगर खुद भी अगर अगले हफ्ते दोबारा से हाजिरी देना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, फिर अपन अगले हफ्ते यहीं मिल जाएंगे। संडे भारत जर्नी के आपको बाकी वीडियोज हैं यहाँ, वहाँ हम लोग उसे थंबनेल देख रहे होंगे, बिल्कुल आराम से क्लिक करो वो भी वीडियो देखो। अपन मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।